वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीके जी एस नॉलेज। दोस्तों हम आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट वन और प्रैक्टिस सेट टू कर चुके हैं, तो जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर जाकर देखें। तो हमारे यहाँ से पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार और इंदिरा गांधी। तो हम यहाँ से इन सभी फैक्टों में अभी बात करेंगे। तो जो सरोजिनी नायडू हैं, ये थी हमारी भारत की पहली राज्यपाल। और वहीं सुचेता कृपलानी की बात करेंगे तो ये सीएम थी, भारत की पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी से थी। और मीरा कुमार की बात करेंगे तो ये पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। और इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो ये पहली पीएम बनी थी, जो महिला पीएम थी तो वह पहली पीएम बनी थी। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, हम एक बार देख लेते हैं। ये थी सीएम बनी थी, जो भारत की पहली लेडी सीएम, और ये राज्यपाल थी मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष हम पिछले वीडियो में भी पढ़कर आए हैं। और इंदिरा गांधी पहली महिला पीएम थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इन्हें भारत रत्न भी फर्स्ट बार दिया गया था 1954 में। तो हमने यहाँ से एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन कवर किए हैं, यानी हमारे टोटल क्वेश्चन पांच क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो हृदय और आत्मा कहा है वे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को भारत की संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये संविधान उपचार आर्टिकल 32 में आता है, ये संविधान उपचार आर्टिकल 32 में आता है। और समानता जो होता है, समानता 14 से 18 तक यहाँ पर समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 और 24 में। ये क्वेश्चन बोलेगा कि हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल में हो जाएगा संविधान के उपचार, यानी कि आर्टिकल 32। और वहीं कहा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वह प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान की आत्मा को। और हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, संविधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल में आर्टिकल 32 को आत्मा कहते हैं और प्रस्तावना में उसे आत्मा कहते हैं, संविधान की। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। 18 वर्ष होती है वोट डालने के लिए होती है 18 वर्ष, और 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, और 30 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है 30 वर्ष, और 35 वर्ष में बनते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। 18 वर्ष किसके लिए होती है, वोट डालने के लिए, और 30 वर्ष किसके लिए होती है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा मोहम्मद हुसैन इस्माइल शाहजहां। तो उस्ताद थे जो मिस्त्री थे, ताजमहल का डिजाइन पूरा तैयार करने वाले उस्ताद ईसा थे, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया था मुमताज की याद में बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस्ताद ईसा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था, और बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर था। यहाँ से हमने तीन चार क्वेश्चन देखे। भारत का पहले मुगल बादशाह बाबर को कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन, बिस्मिल्ला खां, असद अली खां और हरिप्रसाद चौरी, ये एक तरफ संगीतज्ञ है और एक तरफ उत्कृष्टता की कौन क्या बजाता है, हमें सही मिलान करना है। तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करेंगे तो ये सितार बजाते हैं, और बिस्मिल्ला खां की बात करेंगे तो ये शहनाई बजाते हैं, यानी कि बी का हो जाएगा 3। और मल्लिकार्जुन की बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन शास्त्रीय संगीत बजाते हैं, और असद अली खान बजाते हैं वीड़ा। तो हमारे यहाँ से क्या बनेगा, यानी ए का बनेगा चार और बी का बनेगा, यहाँ से ए का बनेगा 2 और बी का बनेगा 3 और सी का बनेगा 1 और डी का बनेगा 4। तो इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, जोन सा मैच होगा तो वह हमारा यहाँ पर 4,
तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2314। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट सही है इसमें। तो यहाँ से हम एक बार और इसे देख लेते हैं, मल्लिकार्जुन क्या बजाते हैं, शास्त्रीय संगीत है, और बिस्मिल्ला खान बजाते हैं सहनाई, असद अली खान बजाते हैं वीणा, और हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं सितार। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्नाटक से संबंधित नृत्य है, यक्षगान, रासलीला, कथकली, भरतनाट्यम। तो यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित, और रासलीला की बात करेंगे तो रासलीला यूपी के फेमस है, और कथकली की बात करेंगे तो ये केरल का नृत्य है, केरल का, और भरतनाट्यम का बात करेंगे तो तमिलनाडु का यह नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा यक्षगान कर्नाटक का, रासलीला यूपी की, कथकली केरल, और भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कौटिल्य, कल्हड़, पाणिनी, विशाखादत्त। तो कौटिल्य की हो जाएगी इकोनॉमिक्स किताब लिखी है, जो कौटिल्य ने लिखी है जिसे हम चाणक्य कहते हैं, और कल्हड़ की हो जाएगी राजतरंगिणी, और पाणिनी की हो जाएगी अष्टाध्यायी हो जाएगी पाणिनी की, और विशाखादत्त की हो जाएगी मुद्रा राक्षस हो जाएगी। मैं यहाँ पे जो अलग से फैक्ट बोल रही हूँ ये आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो विशाखादत्त हो जाएगी मुद्रा राक्षस, पाणिनी अष्टाध्यायी, कल्लड़ हो जाएगी राजतरंगिणी, कौटिल्य हो जाएगी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगी कल्लड़। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस ग्रह का कोई चांद या उपग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या ए बी दोनों। तो हम इसे मैप में एक इमेज के द्वारा भी समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे रैंडमली आपको बता देती हूँ कि जो यहाँ पे उपग्रह है तो बुध और शुक्र, ये दोनों उनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यानी डी सही होगा। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है क्योंकि सूरज की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोनों के उपग्रह को अपनी ओर खींच लेता है। हम एक इमेज के माध्यम से समझेंगे, तो जब तक हम बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लिखी, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलना है, बढ़ते क्रम से छोटे क्रम में चलना है हमें, तो क्रम लिखना है अवरोही क्रम में। तो यानी कि सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, तो बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, फिर अरुण, वरुण यानी यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो दिया बृहस्पति के बाद यहाँ पर छोटा दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सबसे छोटा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी आ गया, और ये यहाँ पर सबसे छोटा आ गया, तो वैसे भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी इंग्लिश में कहेंगे यूरेनस और नेपच्यून। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, केरल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो है, गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। वहीं सिक्किम की बात करेंगे तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यूपी की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वेज नहर किसको जोड़ती, भूमध्य सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे भी एक मैप के माध्यम से समझेंगे और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी से आया है ये क्वेश्चन। इसमें देखेंगे बैंकॉक की राजधानी क्या है, थाईलैंड, चीन, रूस, अफगानिस्तान। तो बैंकॉक की राजधानी हो जाएगी थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक, और चीन की बात करेंगे तो बीजिंग हो जाएगी इसकी राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी हो जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगी, अभी मॉस्को में तो फिलहाल हमला हुआ है, परमाणु हमला। और अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल। तो बैंकॉक की राजधानी है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। यदि आप लोगों ने मेरा एक राजधानी वाला
वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, और सारे देशों की राजधानी आप वहाँ से याद कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है कि किन किन देशों की राजधानी है। तो थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक, चाइना की बीजिंग, रूस की मॉस्को, अफगानिस्तान की काबुल। आप नोट करके चल सकते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वें नंबर का। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण का उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 21 मार्च, ये सॉरी 4 जुलाई और 23 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के निकट हो जाती है, सूर्य के निकट पृथ्वी हो जाती है। लेकिन वहीं बात करेंगे दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को दूर हो जाते हैं 4 जुलाई को, और निकट हो जाते हैं 3 जनवरी को। यदि आप लोगों को याद करना है तो आप देखेंगे कि 3 जनवरी पहले आता है, तो हम इसे शॉर्ट में मानेंगे, और जब 4 जुलाई है तो दूरी में आता है, यानी कि बहुत दिनों बाद आता है, महीनों बाद आता है, तो 3 जनवरी पहले आ जाता है तो उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को जो दूर हो जाता है सूर्य और पृथ्वी, तो इसे हम अपसौर कहते हैं। तो उपसौर और अपसौर की क्रिया है ये। 3 जनवरी को निकट में आता है, 4 जुलाई को दूर में आता है। तो 4 जुलाई देर से आता है और 3 जनवरी जल्दी आ जाता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि निकट और दूर कैसे याद करना। इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। तो बंगलोर को भारत की, इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। वहीं अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व में ताइवान को सिलिकॉन वैली बोलते हैं विश्व में, और भारत में हम बोलते हैं बंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं, और विश्व की बात करेंगे विश्व में ताइवान को सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 सेकंड, 8 घंटे और 8 सेकंड और 8 घंटे। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। 8 घंटे 20 सेकंड लगते हैं पृथ्वी को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, 8 घंटे 20 सेकंड। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में इस जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें आप लोगों को जीके जीएस के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी करंट अफेयर भी मिलेगा, और इसमें जीके जीएस में जो आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, सारी चीज़ें इसमें मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिसंबर मंथ का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 6xi नाम से चैट बॉट असिस्टेंट पेश किया है? इंडिगो, एयरबस, रेलवे, टाटा। तो इंडिगो ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर से। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है? अर्जेंटीना का जेवर मिलाई, जावेद अख्तर, लाल दोहमा, गीतिका कौल। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए जेवेर मिलाई हैं, जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। और आप लोगों को पता भी होगा यदि हम अर्जेंटीना से रिलेट करें फैक्ट, तो अर्जेंटीना COP28 जो शिखर सम्मेलन हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, उसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो अर्जेंटीना COP28 से हट गया है, COP28 समिट से हट गया है, तो ये नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी करंट अफेयर से आया, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है,
एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करेंगे तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। और वही 23 दिसंबर को बात करेंगे तो किसान दिवस मनाया जाता है। यहाँ से हमने 4 दिवस इम्पोर्टेंट देख ली। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं मैप की तरफ, जिसमें कि हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, उन्हें हमें एक इमेज के द्वारा समझना जरूरी है। तो देख लेते हैं कि जो बुध और शुक्र है उनके उपग्रह क्यों नहीं है। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो आप यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है और इसकी किरणें आ रही हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ से ग्रह मान है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह, और बीच में एस्ट्रॉइड है। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। तो ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आप देखेंगे जो सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है। अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि इन दोनों के उपग्रह को वह अपनी ओर खींच लेता है, और खींच लेता है जिसके कारण वे सूर्य में चले जाते हैं। इन दोनों के उपग्रह को अपनी ओर खींच लेता है और खींच कर चला जाता है, सूर्य की ओर समा जाता है, तो इसलिए इनके ऊपर कोई उपग्रह नहीं है। वहीं पृथ्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा इसका उपग्रह हो जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी और सूर्य के बीच काफ़ी दूरी हो जाती है, जिसके कारण ये खींच नहीं पाता है पृथ्वी के उपग्रह को, और इन दोनों के उपग्रह को खींच लेता है। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ए बी दोनों, बुध और शुक्र। अब हमारा एक क्वेश्चन और है, जिसमें कि हमें देख रहा है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है आपस में। तो आप देखेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से समझा रही हूँ। ये देखेंगे तो लाल सागर है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, और यहाँ पर स्वेज नहर, स्वेज नहर, और ये रेड सी, और ये भूमध्य सागर। तो जो स्वेज नहर है इन 2 सागरों को जोड़ती है, जैसे स्वेज नहर है यहाँ पर नहर है, जब इन 2 सागरों को पानी इस तरीके से जाएगा तो तभी मिलेगा जब स्वेज नहर यहाँ पर है। तो स्वेज नहर दोनों को जोड़ती है। अब ये स्वेज नहर है अफ्रीका में, अफ्रीका में मिस्र में स्थित है, यहाँ पर मिस्र है, मिस्र, मिस्र में स्थित है स्वेज नहर, और अरस्तु ने इसे नील नदी की देन भी कहा था। तो यहाँ पर स्वेज नहर स्थित है अफ्रीका में। आप लोगों से पूछा भी जाए कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है, मिस्र में स्थित है, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अलग करती है अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से। और यहाँ से बात करेंगे तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका को यूरोप से अलग होती है, तो यहाँ से हो जाएगी स्वेज नहर। तो आप लोगों ने समझ लिया कि लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चल, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।